स्वागत है सभी एक नए व्लॉग में। जय मोलिता, जय माता जी। तो अभी का आज का तो कुछ ऐसा प्रोग्राम है कि बस खेत में मूंग निकलने वाले हैं, बस वहां पर ही जाना है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। एक खेत तैयार की, एक खेत में मूंग जो काटे थे हमने वो याद निकालेंगे और ओपनर से सब काम ख़त्म करके आ जाएंगे वो वाले खेत का, और सब मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। तो अभी तो वैसे 11 बजने आए हैं, 11 बजे से काम चालू कर देना है, शाम के 6 बजे तक काम सब खत्म हो जाना चाहिए, ऐसा आयोजन किया है। तो आपको अच्छा लगेगा व्लॉग में तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये खेत था, आप सभी को पता ही है। वैसे 3-4 दिन पहले इसमें से मूंग काटे थे, 3 दिन पहले। सामने है जिस पर घर और ट्रैक्टर सब आ गया है यहाँ पर। अभी क्या है, उठाकर इसमें बीच में डाल रहे हैं। एक बार तो निकाल लिया, अभी ऐसे ना सामने थोड़ा सा बचा है, तो अभी इसके ऊपर ट्रैक्टर घुमाएंगे हमारा ही। और वो जो ट्राली में भरा है ना वो तो वेस्ट है, उसका कोई उपयोग होगा नहीं, क्योंकि वो ये मूंग के जो है छोड़ है वो है, बाकी मूंग इसमें है, ये जो तल पर हमने नीचे डाले हैं ना उसमें। यहाँ पर इकट्ठा करके डाल दे, यहाँ पे ट्रैक्टर चालू कर नहीं दे रहे, फिर वो तो साथ साथ में डालते जाएंगे। फिर अभी ओपनर भी लाना होगा, आज ही साफ कर देंगे। अभी तो वैसे 4 बजे हैं, अच्छा चलेंगे ट्रैक्टर में भी चलाता हूँ। और ये पूरे वेस्टेज होते हैं, ये एनिमल्स भी नहीं खाएंगे। और ये है ना मूंग के छोड़ होते हैं, इसमें कुछ है नहीं, अभी सिर्फ वो छोड़ जो बचते हैं ना वो है, और ये एनिमल्स खाते नहीं हैं, इसलिए इसको घर पर तो नहीं ले जाएंगे। एनिमल्स तो वो सब खाएंगे, जो पत्ती वाला आता है ना वो सब, इसको तो हम कहीं पर डाल देंगे। कुछ के एनिमल्स खाएँगे लेकिन हमारे तो ये छुएंगे भी नहीं, क्योंकि अच्छा अच्छा खाना मिलता है, घास ऐसा तो खाते नहीं हैं बिल्कुल भी। तो इधर उधर जो बकरे वाले होते हैं ना उसको वो सब खाएंगे, तो उसको शायद दे देंगे, ऐसा कुछ करेंगे।
मेरा पीछे वाले जो मूंग है ना, वो जयेश भाई के, टाइगर भी है, दीपक भी है साथ में। तो अभी मूंग ऑलरेडी जो मूंग का काम है वो ख़त्म हो गया है, मतलब कि ट्रैक्टर चलाने का जो काम है वो ख़त्म हो चुका है। अभी 4 बजे हैं, धूप है और ओपनर आने वाला है, वीडियो में वही दिखाने की कोशिश करूँगा। आज मूंग का जो है वो ज़्यादा आएगा क्योंकि खेत का काम स्टार्ट हो गया है। फार्मर की लाइफ में एक तो खेत का काम ही बड़ा होता है और सबसे इम्पोर्टेंट वही होता है, इसलिए मैंने सोचा है कि आज यही ज़्यादा दिखाते हैं। घर का तो शाम में घर पर जाएंगे, टाइम रहेगा तो घर का थोड़ा सा व्लॉग आएगा, वरना तो यही रहेगा। तो चलिए कंटिन्यू कीजिए व्लॉग पे, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। पहिए हैं उस पर देखो, छोटे बच्चे बैठे हैं। तो छोटे से जो लाइफ होती है, जब हम छोटे थे तब यही मज़ा होती थी, हम भी ये पहिए घुमाते थे, जो ओपनर के पहिए निकालते हैं ना, वो ऐसे खेत में घुमाया करते थे, लेकिन वो तो अब छूट गया। बस ये देख के पुराने जो दिन हैं बचपन के वो याद आ रहे हैं। अभी लगभग जो हमारा काम है वो ख़त्म होने आया है। अभी देखेंगे मूंग कितने होंगे, कुछ इतना पता है नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी तो इसको तोलेंगे, व्यापारी को बेचेंगे, फिर पता चलेगा कितने होंगे। 10 या 15 जो मण के बीच में रहेगा, एक मण में 20 किलो होता है, ऐसे 10 या 15 मण के बीच में होगा ये मूंग, अभी कुछ इतना नक्की नहीं करते, क्योंकि सबसे जो कमज़ोर मग थे ना वो यही खेत में थे, सबसे कमज़ोर। अभी आगे के जो भी हमारे खेत निकलेंगे ना, वो इससे ज़्यादा ही होंगे मूंग। पर रख दिया है क्योंकि ये अंदर डालने हैं मूंग, तो अंदर से निकालनी पड़ी, और मूंग आ गए हैं, भैया लेके आ रहा है ट्रैक्टर, तो अभी डायरेक्ट डालना है अंदर। यहाँ पर पूरा वॉल जो साफ किया था, मूंगफली भी जो थी वो बेच कर निकाल दी। वैसे अभी एक खेतर के निकले हैं, बाकी सब खेत के जो है वो बाकी है, और ट्रैक्टर यहाँ पर आ नहीं सकता क्योंकि टायर जो है वो स्लिप होने लगते हैं।
तभी शाम के 7 बजने आए हैं और सब काम खेत में ख़त्म हो गया है। सुबह हमें ट्रैक्टर चला के वो जो मूंग पहले निकाल लिए, फिर अपने चला के मूंग को साफ कर दिया, तो ट्रेलर वो सब आ गया है, पीछे मूंग भी आ गया है। हम देख सकते हैं अभी भैया गए हैं और पापा भी गए हैं ओपनर को लेने के लिए, तो वो ओपनर लेके आ जाएंगे। फिर कल उस वो खेत को खेड़ कर रेडी करना है। अभी मूंग काटने नहीं है, 2 दिन नहीं काटेंगे शायद, क्योंकि थोड़े से पकने देने हैं। वो एक ज़्यादा पक गए थे, वो निकाल लिए। अभी ओपनर आकर वह कल उसमें पूरी खेड़ कर देंगे और परसों तो उसमें पानी चालू हो जाएगा। इतना झड़प से काम करना होगा तभी पहुँच पाएगी है सभी खेतों में। बाकी सभी अभी बाकी है मूँग निकालने में। और 2 दिन मैंने ब्लॉग एक सुबह में अपलोड किया, दोपहर में अपलोड किया। मैं देख रहा था कि क्या होता है, फिर सोचा कि अभी काम देखो बढ़ गया है, खेत में काम चालू हो गया है। मतलब कि जैसे अभी शाम में टाइम मिलेगा, जो अभी खेत से वापस आया हूँ और अभी निरात होती है, मस्त आराम होता है अभी, तो अभी व्लॉग हम शाम का ही रखेंगे, हम एक फिक्स रखते हैं। एक दो भाई ने फिर वापस कमेंट भी की थी कि आप व्लॉग का टाइम शाम का रखो और व्लॉग का टाइम फिक्स रखो, तो अभी शाम का टाइम फिक्स होने वाला है हमारे लिए, क्योंकि फिर दोपहर में टाइम हो या फिर तो ना हो, अब तो खेत में 11 बजे से ही चले गए थे, इसलिए दोपहर में टाइम वैसे नहीं मिला क्योंकि पूरा खेत निकालना था। बाकी आज के व्लॉग में बस इतना ही रखेंगे, मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय जवान, जय किसान, जय भारत, जय हिंद।